नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। तो नए लोग जो भी है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे क्या होगा कि नए नए जो भी मेरे वीडियोस आएंगे वो आप सभी को पहले ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज के बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है और नए लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें ऐसी टिप्स मैं दूंगा जिससे आपको एक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से एक्टिंग कर पाओगे। तो ये 5 टूल्स जो है एक्टिंग के, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये 5 टूल्स कौन से हैं? 5 टूल्स, पहला टूल है आपकी बॉडी, फुल बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी। सेकंड टूल है आंखें, यानी जिससे आप एक्टिंग में बहुत ज़रूरी है, आंखें की वो भी होना ज़रूरी। तीसरा, आपकी आवाज़ ऐसी बुलंद होनी चाहिए, बहुत मजबूत होनी चाहिए, उसमें बेस होना चाहिए। वो कैसे आएंगे उस बारे में भी आप सबको एक एक वीडियो बताऊंगा। चौथा है ऑब्जर्वेशंस होना भी बहुत ज़रूरी है। आप एकदम ऑब्जर्वेशन का क्या ज़रूरत है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और पाँचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण, इमेजिनेशंस होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहला शुरू करते हैं बॉडी। बॉडी को आप इतना फिट रखिए कि कोई भी काम हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग नहीं तो सामने वाला कैरेक्टर अगर कहीं अटक जाता है तो आपको 2 बार 3 बार ऐसा 4 बार 3-4 बार वो एक्टिंग करनी पड़ती है। तो आपकी बॉडी में अगर स्ट्रेंथ होगा तो आप थकोगे नहीं। तो बॉडी फिट भी होना चाहिए। तो फिट रहने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, रोज़ एक्सरसाइज कीजिए, रोज़ स्विमिंग कीजिए, रोज़ चलिए, दौड़ने जाइए। उससे क्या रहेगा कि आप फिट रहोगे और स्टेमिना बढ़ेगी आपकी। सेकंड है आँखें। आँखों की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज होती है, लेकिन आँखें बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि चेहरे पे आपके जब लाइट्स आएगी, कितने वोल्ट की लाइट आएगी, धूप में रहोगे, ये रहोगे, तो आपकी आँखें होनी बहुत होना ज़रूरी है, बहुत अच्छी होना ज़रूरी है। इसके लिए कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, कैरेट यानी गाजर का जूस पीजिए, उससे आँखें अच्छी रहेगी। और पूरी नींद लीजिए। नींद तो हमेशा पूरी लेनी चाहिए, कम से कम 8 घंटे 9 घंटे के बाद। तो उससे क्या माइंड भी फ्रेश रहेगा, बॉडी भी फ्रेश रहेगी, आप एक्टिव भी रहोगे। उसके बाद तीसरा है वॉइस यानी मेन चीज़। कोई भी कैरेक्टर है वो बोलता है, उसकी आवाज़ में मालूम पड़ता है वो क्या कहना चाहता है, उस पर एक्सप्रेशंस, ये वो सब होना। तो वॉइस के लिए भी क्या है कि आपको थोड़े कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, जैसे ठंडा पानी मत पीजिए, ठंडी चीज़ें मत खाइए, और जो भी बोलो ज़रा लाउडली बोलिए, ज़ोर से बोलिए, खरोंच के साथ बोलिए, तो सामने वाले को एकदम एक्सप्रेसिव लगोगे। आपकी आवाज़ दबी दबी सी नहीं होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए। और चौथा है ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन यानी क्या है, बच्चे बन जाइए बस। कहीं भी जाते हो, रोड से जाते हो, तो आपको कोई लगेगा, कोई कैरेक्टर लगेगा, उसे आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए वो क्या करता है, कैसे चलता है, उसके बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसके बोलने का अंदाज देखिए। तो वो कैरेक्टर आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में रह जाएगा। तो जब उस टाइप का कोई कैरेक्टर मिलेगा तो आप अच्छी एक्टिंग कर पाओगे, बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दे पाओगे, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब आप देखना ज़रूरी है। ये एक आर्टिस्ट के लिए होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा और मेन, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी ऐसा इमेजिनेशन होना चाहिए कि किसी आपको शूट करने गए, आपको डायलॉग्स दिए गए, तो आपको इमेज करना चाहिए कि वो कैरेक्टर क्या करता होगा, कैसा होगा, उसकी बॉडी कैसी चलेगा तो बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, सब में झलकना चाहिए और मालूम पड़ना चाहिए कि ये आदमी है तो उसकी लैंग्वेज ऐसी होगी, बॉडी ऐसी होगी, लैंग्वेज होगी। समझ लीजिए एक नेपाली का कैरेक्टर है, तो भी आपने कभी उनको सुना होगा, तो कैसे बोलते, जैसे साहब जी कैसा है, जाता है साहब जी, तो वो टोन आना चाहिए। तो इमेजिनेशन होगा तो आप इमेज करके आप कर सकते हो, वो कैरेक्टर में आप घुस जाओगे, जो भी कैरेक्टर आप करते हो वो। तो ये इमेजिनेशन, जैसे कि 5 टूल्स जो मैंने बताया, बॉडी, आईज, वॉइस, ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन, वो होना आपका बहुत ज़रूरी है। एक्टर के लिए तो बहुत ज़रूरी है, हर कैरेक्टर आपको निभाना है तो वो सभी के लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं अलग अलग वीडियोज़ बनाऊँगा, तो आप लोग देखिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।
पांचों जो मैंने ऑब्जर्व ये जो बताया टूल्स वो एक्टिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कल से मैं ये वीडियो डालने शुरू करूँगा। तो पहला होगा बॉडी, आइज, वॉइस, ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन। तो बॉडी के लिए तो आप रोज एक्सरसाइज कीजिए, स्विमिंग कीजिए, जो भी है। आँखों के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, कैरेट का जूस पीजिए, गाजर का जूस पीजिए, आँखें धोइए और पूरे नींद पूरी लीजिए। वॉइस के लिए तो ठंडा अमल खाइए, वो मैंने वापस बता दिया। तो ये जो पांचे चीज़ें हैं उसकी मैं एक्सरसाइज भी आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों आगे बढ़िए, मेरी चैनल आपके साथ है। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, मेरे फेसबुक पर लिखिए। दोस्तों जय हिंद।